आज का टॉपिक है अपना सेकंड चैप्टर है आग बुझाने के उपकरण है ना, आग बुझाने के उपकरण, और वो भी कौन सी है रे, प्राथमिक। सेकंड चैप्टर है प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण, हेडिंग डाल लो सेकंड चैप्टर प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। अब सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखते हैं, यानी स्टार्टिंग में क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी बात कर लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, ठीक है। प्राथमिक का मतलब है छोटी आग, यही है ना भाई। स्टार्टिंग में प्रथम में जो भी आग लगी उसकी बात करेंगे। आग लगी है पर आग को बुझाने के लिए जितने भी उपकरणों का प्रयोग करेंगे वो भी फायर में आने वाले उपयोग, भी फायर सर्विस में काम में आने वाले प्राथमिक आग बुझाने के लिए जो भी उपकरण है ना वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राथमिक आग यानी छोटी आग को बुझाने के लिए जिन जिन भी उपकरणों का प्रयोग करेंगे उन्हीं को पूरे चैप्टर में उन्हीं को पढ़ेंगे। अब प्राथमिक आग कौन सी होती है? प्राथमिक आग वो होती है जिसे एक व्यक्ति आसानी से बुझा जा सके। भाई जिस आग को एक व्यक्ति आसानी से जा करके कोई भी यंत्र या कोई भी अपनी विधि से उसको बुझा सके उसी को कौन सी आग बोलेंगे? अब प्राथमिक आग के लिए ये तो होगी प्राथमिक आग। अब पढ़ेंगे प्राथमिक आग के बुझाने वाले उपकरण, जैसे वो उपकरण आएंगे जिनसे केवल और केवल स्टार्टिंग यानी प्रथम की छोटी आग बुझती है। जैसे कोई भी लकड़ी की आग लगी, किसकी आग लगी? लकड़ी की। अब लकड़ी की आग को बुझाने के लिए एक प्रयोग करते हैं पानी की बाल्टी। क्या प्रयोग करते हैं भाई? एक व्यक्ति सबसे पहले ये करता है कि पानी की बाल्टी उठा करके वो उस पर डालने की कोशिश करता है ताकि वो छोटी आगे बुझ जाए। एक ही है ना, अर्थात पहला कोई एक उपकरण होगा वो होगा बाल्टी, या उसको बोलते हैं फायर बकेट। एक तो ये हो गया। दूसरा माध्यम क्या होगा? दूसरा माध्यम ये होगा कि आग, जैसे आग लगी है और आग लगी है किसी भी लकड़ी में आग लग रखी है, प्राथमिक आग बुझाना है। दूसरी विधि होगी कोई ना कोई गीला कपड़ा या कोई ना कोई ऐसा माध्यम लेकर के आएंगे जिससे उस आग पे डाल दे रहे पूरी तरह क्या हो जाए भी ढकी जा सके, यानी कोई ना कोई ऐसी चादर का प्रयोग करेंगे, यही है ना प्राथमिक आग बुझा सकते हैं। तीसरा प्रयोग करेंगे भाई यहाँ आग लगी है वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता, छोटी आग है, कोई ना कोई अपने छोटा ऐसा पंप लेकर के आएंगे ताकि पानी में डुबोएंगे और जिसको अपने पक्चर करेंगे या उसको प्रेस करेंगे प्लंजर को और जिससे पानी निकलेगा प्रेशर से उस आग तक पानी फेंक पाएंगे, छोटी आग को बुझा पाएंगे। एक ये तरीका होता है। एक तरीका होता है आग लगी है मेरे पास में कोई ऐसी धातु या ऐसी कोई छड़ पड़ी है या मेरे पास में कपड़ा नहीं है, कोई ऐसा पार्ट पड़ा है जिसको मैं इसको पीट पीट करके बुझाऊंगा। भाई छोटी आग है या तो अपन पेड़ ले लेते हैं, पेड़ क्या करते हैं जब अखबार या कोई भी जलता है या कोई पटाखे का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पटाखा। पटाखा जब जलता है और पूरी तरीके से वो नहीं जल पाता, उसके बाद में क्या करते हैं उसको बुझाने के लिए अपन क्या करते हैं पैर से दबाते हैं, अर्थात वो पहली आग है। अब प्राथमिक आग को बुझाने के लिए पैर का प्रयोग करते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा माध्यम जिसको पीट करके आग को बुझाए वो भी एक प्रकार का क्या है प्राथमिक आग बुझाने का माध्यम है। दूसरा प्राथमिक आग बुझाने का माध्यम उससे आगे वाला ये आता है कि उस अगर कहीं आग लगी है तो उस आग तक किसी भी धातु के बने सिलेंडर में पानी भर करके यानी कोई ना कोई मीडिया भर करके प्राथमिक आग, या पेट्रोल की लगी हो चाहे कोयले की लगी हो चाहे लकड़ी की लगी हो चाहे तेल की लगी हो, ठीक है, चाहे कोई धातु की लगी हो चाहे गैस की लगी हो, यानी कोई ना कोई आग लगते ही उस पर क्या यूज़ करना उसको बुझाने वाली मीडिया यूज़ करना, छोटा यंत्र हो जिसे एक व्यक्ति आसानी से प्रयोग कर सके और वहाँ से उसी माध्यम से क्या कर सके वहाँ तक जो भी मीडिया पहुँचाया जा सके, यानी इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी यंत्र किस कौन से यंत्र है? प्राथमिक आग बुझाने वाले यंत्र, यही है ना। अब हेडिंग डालो प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण
अब प्राथमिक आग में सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद में अपन एक एक पॉइंट करेंगे। सबसे पहले लिखो, प्राथमिक आग वह आग होती है जो सर्वप्रथम उत्पन्न हो, अर्थात ऐसी छोटी आग जिसे एक व्यक्ति आसानी से किसी ने किसी माध्यम से उस आग को बुझा सके, यानी जो सर्वप्रथम तो उत्पन्न हो, या अर्थात ऐसी छोटी आग जिसे एक व्यक्ति आसानी से किसी न किसी माध्यम से उस आग को बुझा सके। लगी हुई छोटी आग को क्या कहेंगे? प्राथमिक आग। लगी हुई छोटी आग को प्राथमिक आग कहते हैं, अब प्राथमिक आग हो मतलब छोटी आग है। अब बात करेंगे उपकरणों की। किसकी बात करेंगे? उपकरण यानी इक्विपमेंट। अब कौन सी इक्विपमेंट है? वही इक्विपमेंट जो प्राथमिक आग को बुझाने में सहायता प्रदान करे, बुझाने में सहायता दे या सहयोग करे या उपयोग में लिए जा सके। अब प्राथमिक आग है, इसको बुझाने के लिए अनेक उपकरण होते हैं, उनमें से मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। लिखो, प्राथमिक आग को बुझाने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला लिखो फायर बकेट। एक बकेट लेकर के आ, फायर का मतलब आग और बकेट का मतलब है बाल्टी, यही है ना। यानी एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा उपकरण जो बाल्टी आकार का हो या बाल्टी ही हो, यानी बाल्टी में कोई ना कोई क्या भरा जाएगा? मीडिया। बाल्टी में कोई ना कोई क्या भरा जाएगा? और उस बाल्टी का उपयोग करके एक व्यक्ति लगी हुई प्राथमिक आग को आसानी से प्रयोग करके बुझा सकता है। इसलिए इसी बाल्टी को या इसी बकेट को, फायर बकेट को कौन सी इक्विपमेंट में रखा गया है? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अगर बड़ी आग लगी कहीं पर भी, क्या उस बड़ी आग को एक बाल्टी के द्वारा एक व्यक्ति आसानी से बुझा सकता है? नहीं। पॉसिबल है कि बड़ी आग को एक व्यक्ति आसानी से बुझा सकता है? पॉसिबल है नहीं। यानी बाल्टी है पर उसमें इतना पानी आएगा जितना पानी केवल और केवल छोटी आग को या छोटी आग पर उपयोग कर करके उस आग को बुझा सके। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक आग या फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का पहला पार्ट जिसे बोलते हैं फायर बकेट। क्या बोलते हैं? यानी एक गोल या चपटे आकार नुमा एक बाल्टी होती है। क्या होती है? गोल या चपटे आकार नुमा पेंदे वाली एक क्या होती है? बाल्टी। जिस बाल्टी में मीडिया के रूप में पानी, मीडिया का मतलब इसमें भरे जाने वाला पदार्थ, चाहे पानी है
चेवे, देखो दो पदार्थ, एक तो होता है पानी और एक होता है मिट्टी, पानी और मिट्टी। अगर किसी बकेट में पानी भरा हुआ होगा उसको बोलेंगे वाटर बकेट, क्या बोलेंगे, या उसको फायर बकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जिस बकेट में मिट्टी भरी हुई है उसको क्या बोलेंगे, सैंड बकेट, क्या बोलेंगे, सैंड बकेट। समझ में आ गई ना। इसकी क्षमता की बात करें, क्षमता इतनी होती है, देखो अगर मैं एक लीटर की बात करूं, कितने लीटर की बात करूं, एक लीटर पानी इसमें आएगा, इसका मतलब इम्पॉसिबल है कि वो एक लीटर पानी प्राथमिक आग को बुझा सके। पानी उतना होना चाहिए जितना पानी प्राथमिक आग पर गिरे और उसको शीतलीकरण करके या ठंडा करने की विधि से बुझा सके, उसकी ऊर्जा को या ताप को एक्सेप्ट कर सके। पानी कितना होना चाहिए, कहीं पर भी अगर आग लगी है तो कम से कम कितना लीटर होना चाहिए, 9 लीटर पानी होना ही चाहिए, क्योंकि यह एक वो आंकड़ा है जो एक व्यक्ति आसानी से इस बाल्टी को उठा भी सकता है और प्रेशर से उस आग तक फेंक भी सकता है। इसलिए ये इसका आंकड़ा कितना रखा गया है, 9 लीटर। यानी इस बकेट का जो वेट होता है, यानी कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी आता है, 9 लीटर। समझ में आई बात। अब 9 लीटर पानी आएगा तो यानी इसको एक व्यक्ति आसानी से उठा करके प्रयोग कर, अब यही बाल्टी हो जिसमें 20 लीटर पानी आए तो क्या वह एक या दो बाल्टी से ज़्यादा प्रयोग कर सकता है, एक व्यक्ति आसानी से प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ वह आग बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं पर फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में नहीं आए। फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक आग, और छोटी आग होगी तो बुझाएगा कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति आसानी से बुझा सके, उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक। अब इसमें बकेट की बात करें तो ये बकेट दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, घरों में जो बाल्टियां होती है ना, ये सारी चीज बताऊंगा इसके बारे में, घरों में जो बाल्टियां होती है वो भी एक प्रकार से बकेट है, बकेट है ना, पर उसको फायर बकेट नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, घरों में प्रयोग में ली जाने वाली जो बाल्टियां होती है वो आपातकाल स्थिति में काम में नहीं ले सकते। भाई जैसे कहीं आग लगी है और आग लगने पर आग का ये थोड़ी है, समय थोड़ी है, आपातकाल यानी कोई समय नहीं है, यानी किसी भी समय आगे लग सकती है। अब इस आग को बुझाने के लिए अपने को वो उपकरण चाहिए जो उस इसी आग के लिए बने गए हैं और केवल उसका काम ये है कि आग को ही बुझाना या आग पर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो होता है केवल के घरों की बाल्टी है तो वो तो नहाने में भी काम में लेते हैं, एट ए टाइम आग लगी रही, एक नानगेड़ी बाल्टी है अपने तो कौन, सही है ना। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है तो उसमें भी यही होता है, वहाँ पे भी बंदे रहते हैं रहने के लिए। अब वो बाल्टियाँ अगर नहाने वाले काम में लेंगे वही बाल्टी आग बुझाने के काम में लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक स्टैंड तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, और ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर क्या हो, ये लगे कि इस पॉइंट से आग लगने का सबसे ज़्यादा क्या है, खतरा है। यानी एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर आसानी से तो आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट चुनते हैं सरफेस पे, उस उद्योग में जो कहाँ अपन प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर ये लगे कि सबसे ज़्यादा औसतन दिखने वाली जगह जो हर एक बंदे को दिखाई दे, उसको क्या बोल देंगे, फायर पॉइंट, ताकि आग लगने पर सबसे पहले ध्यान वहीं जाए जहाँ फायर का क्या रखा हुआ है, कोई ना कोई उपकरण। अगर इस एक बकेट रखा जाए, देखो सरफेस पे रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति, देखो सरफेस पर रखेंगे इसके आकार क्या होगा, चपटा, क्या होगा, चपटे का मतलब अगर धरती पे सरफेस पे इस बाल्टी को रख दिया तो कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी दूसरे काम में इसका यूज ले लेगा, यही है ना। इसलिए इसको सरफेस में भाई यूज का मतलब हो गया कलर कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, मिट्टी कहीं लेकर के जानी है, कोई कूड़ा कचरा डालना है, तो एक समय के लिए इसका उपयोग करेंगे अगर वो सरफेस पे इसी तरीके से टिकी हुई है। अगर यहीं इसी बाल्टी का आकार क्या हो, गोल, इसका क्या हो, अब गोल होगा तो इसका मतलब ये जैसे ही सरफेस पे रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि वो टिक पाए, तो वो क्या होगी, नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिरेगी इसमें जो भी सामान भरा हुआ वो तो निकलेगा बाहर, इसलिए उसका प्रयोग करना भी अपने यही जानते हैं, कुर्सी की एक टांग टूटी हुई है तो यूज में ले लेंगे, पॉसिबल को नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। और उसमें अगर चारों अगर पहिए लगे हुए तो इसका मतलब है उसको यूज में लेंगे, यही बात। इसमें अगर चपटे आकार की होगी तो किसी न किसी काम में लेंगे, और चपटे आकार की नहीं है, गोल आकार की है तो इसको भले ही कहीं रख दो ये गुड़ेगी गुड़ेगी, यही है ना। इसलिए इसको सरफेस पे नेक रख करके किस पे रखा जाता है, एक स्टैंड पे, जिसको बोलते हैं फायर बकेट स्टैंड, क्या बोलते हैं, ऐसा स्टैंड जिसपे फायर बकेट यानी फायर आग बुझाने वाली बाल्टियाँ जिसका लाल कलर होता है वो बाल्टियाँ इस पर क्या हुई, लटकाई हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फायर बकेट स्टैंड, क्या बोलते हैं, फायर बकेट स्टैंड। आवश्यकता अनुसार डिपेंड करता है कि ये 4 बकेट का है या 6 बकेट का है या 9 बकेट का, डिपेंड करता है कि वहाँ पे काम कर कितना क्षेत्र है या कितने क्षेत्र के लिए कौन सी आग है, जैसे 10 भी रख सकते हैं 9 भी रख सकते हैं, वो आवश्यकता अनुसार इसमें देखो बेसिकली क्या रखता है,
फोर बकेट स्टैंड भी होता है, सिक्स बकेट स्टैंड भी होता है, एट बकेट स्टैंड भी होता है, नाइन बकेट, यानी जितनी बकेट होगी उसको उसके अनुसार, जैसे एट होगी तो एट बकेट स्टैंड, फायर बकेट स्टैंड। अब ये फायर बाल्टियाँ होती है दो प्रकार की होगी ना, एक तो चपटे आकार की, देखे गोल और चपटे का पता चल गया ना, गोल क्यों रखी जाती है, चपटा क्यों रखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार की ये फायर बकेट होती है। अब इसमें देखो बेसिक है, घरों में बाल्टियाँ होती है उसमें से थोड़ा इतना भिन्न है कि इसका जो पेंदा है ना वो क्या है, गोल। कलर की बात करें पेंदा ब्लैक कलर का रखा जाता है, जो इसका हैंडल है वो भी किसके कलर का रखा जाता है, ब्लैक कलर। यहाँ से पकड़ करके व्यक्ति जो भी है इसमें मिट्टी डली है तो मिट्टी आसानी से फेंक सकता है हैंडल को पकड़ करके, और अगर इसमें क्या डला है पानी डला है तो भी इस हैंडल को पकड़ कर आसानी से फेंक सकता है। ये होती है फायर ब्रिगेड, जो व्हाइट कलर में फायर नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखा होता है, 9 लीटर इसमें पानी आता है, ठीक है। और इसकी पेंदे की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, मेटल धातु की बनी होती है। तो ये होती है अपनी फायर बकेट, हेडिंग डालो फायर बकेट। फायर बकेट उन बाल्टियों को कहते हैं जो आग बुझाने के लिए या प्राथमिक आग करो आग बुझाने के लिए प्रयोग में ली जा सके इस बाल्टी का रंग लाल तथा हैंडल का रंग ब्लैक एवं इसके पेंदे का कलर ब्लैक या काला कर लो ब्लैक होता है, जिसकी क्षमता 9 लीटर की होती है तथा इस बाल्टी पर हिंदी व इंग्लिश में फायर फायर नाम काले तथा सफेद रंग से लिखा होता है काले तथा सफेद रंग से लिखा होता है। ये बाल्टियां बनावट के आधार पर विशेषतः दो प्रकार की होती है पहले लिखो साधारण पेंदे या चपटे पेंदे वाली
साधारण पेंदे या चपटे पेंदे वाले, और तीसरी लिखो गोल पेंदे या राउंड बॉटम वाले, साधारण या चपटे पेंदे वाली, और दूसरी है गोल या राउंड बॉटम वाली। भाई साधारण के अंदर एक लाइन लिखा कि पहला एक नंबर, और एक बात लिखो साधारण पेंदे वाले लिखो, इस बकेट या बाल्टी का पेंदा साधारण यानी चपटा होता है, चपटे आकार का होता है। साधारण यानी चपटे आकार का होता है, चपटे आकार का होता है, जिसकी क्षमता 9 लीटर जिसकी क्षमता 9 लीटर तथा इस बकेट को उपयोग में लेते समय स्टैंड से उतारकर अर्थात अर्थात इन बाल्टियों को एक विशेष बिंदु पर स्टैंड पर लटकाकर रखा जाता है। एवं आवश्यकता पड़ने पर इन्हें स्टैंडों से उतार करके एक व्यक्ति आसानी से फायर फाइटिंग कर सकता है। जब इन बाल्टियों में पानी भरा हुआ होता है तब इसे वाटर बकेट इसे वाटर बकेट तथा जब इन बाल्टियों में मिट्टी भरी होती है तब इसे सैंड बकेट कहते हैं। सैंड बकेट कहते हैं। ये स्टैंड है, इसको डायग्राम बना लो इसके नीचे, उसके बाद में गोल पेंदे वाली करेंगे। यानी साधारण पेंदे वाली बाल्टी है, उसके बाद में गोल पेंदे वाली, सेम चीज लिखनी है डायग्राम में, तो पेंदा गोल कर लेना।
अब आगे वाली हेडिंग डालो, गोल पेंदे वाली राउंड बॉटम वाली फायर बकेट। गोल पेंदे यानी राउंड बॉटम वाली फायर बकेट, गोल पेंदे यानी राउंड बकेट वाली फायर बकेट। वह बकेट जिसका पेंदा गोल हो, वह बकेट जिसका पेंदा, आवाज नहीं, जिसका पेंदा गोल हो, अर्थात अर्थात ऐसी बकेट, ऐसी बकेट जिसको बिना स्टैंड, जिसको बिना स्टैंड धरातल पे न रखी जाए, उसी बकेट को राउंड बॉटम बकेट कहते हैं, जिसकी क्षमता 9 लीटर होती है, जिससे एक व्यक्ति आसानी से, एक व्यक्ति आसानी से प्राथमिक आग बुझाने के लिए प्रयोग में ले सके, प्राथमिक आग बुझाने के लिए प्रयोग में ले सके। राउंड बॉटम बकेट में, राउंड बॉटम बकेट में अगर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो उसे वाटर बकेट, तो उसे वाटर बकेट तथा जिसमें मिट्टी भरी हुई है उसे सैंड बकेट कहते हैं, तथा जिसमें मिट्टी भरी हुई है उसे सैंड बकेट कहते हैं। इन बकेटों को, इन बकेटों को एक विशेष स्टैंड पर, एक विशेष स्टैंड पर लटकाया जाता है, लटकाया जाता है जिससे ये, जिससे ये लुढ़के न, अर्थात जिससे ये लुढ़के न, अर्थात आगजनी के समय, आगजनी के समय इस स्टैंड के द्वारा, आगजनी के समय इस स्टैंड के द्वारा आसानी से, आसानी से मिलने की संभावना होती है, मिलने की संभावना होती है। ठीक है, स्टैंड बना लीजिए, ये गोल पेंदे वाली है, अगर जिसमें पानी भरा हुआ होगा उसको तो बोलेंगे वाटर बकेट, और जिसमें मिट्टी भरी हुई होगी उसको क्या बोलेंगे, सैंड बकेट।
और दो बात और लिखनी है, वो भी बता देता हूँ, लिखो साथ में लिख लो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये डायग्राम का बना लेना। एक बात और लिखो, सैंड बकेट, सैंड बकेट किसी भी क्लास की आग को बुझाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, अर्थात ए बी सी तीनों आग के लिए सैंड बकेट प्रयोग में ले सकते हैं, अर्थात ए बी सी तीनों आग के लिए सैंड बकेट का प्रयोग ले सकते हैं। तथा वाटर बकेट का प्रयोग केवल ए क्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लेंगे, यह चीज जरूरी है, ठीक है ना। तथा वाटर बकेट का प्रयोग केवल ए क्लास की आग को बुझाने के लिए करेंगे या किया जाता है, ए क्लास की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो बताओ भाई, फायर बकेट में किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट हेडिंग डालो फायर बिटर, नेक्स्ट हेडिंग डालो फायर बिटर। ये पढ़ रहे हैं प्राथमिक आग बुझाने के, प्राथमिक ही उपकरण है, छोटे उपकरण है और छोटी सी आग को आसानी से बुझा सकते हैं। प्रयोग में लेने में अगर संख्याएं ज़्यादा है तो बड़ी आग पर भी प्रयोग में ले सकते हैं, पर छोटी आग के लिए विशेषतः इसका प्रयोग किया जाता है। दो नंबर लिखो फायर बिटर, फायर का मतलब आग और बिटर का मतलब है पीटना, बिटर का मतलब है पीटना, यानी बिटिंग का मतलब पीटना होता है, बिटर एक प्रकार का पीटने वाला यंत्र, यानी आग को बुझाएगा, प्राथमिक आग को पीट पीट करके बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, फायर बिटर। यानी फायर सर्विस में एक ऐसा उपकरण जो प्राथमिक आग को पीट पीट करके आसानी से बुझाए। पीट पीट के लिए ये तो यानी कि गोल का आकार का प्रयोग में ले लेंगे, गोल आकार के किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं ले सकते, किसी भी पाइप का प्रयोग में नहीं ले सकते, पीट पीट करके आग बुझानी, अर्थात ऐसा आकार का उपकरण होगा जिससे आग ढकी जा सके या बोंदलाई जा सके, ऐसे उपकरण को क्या कहेंगे, फायर बिटर, क्या कहेंगे, फायर। इस प्रकार का यंत्र होता है जिसका साइज 9x18 यानी 9 इंच और 18 इंच, 9 इंच इसकी हाइट मान लेते हैं, या इसकी लंबाई कितनी होगी, फिर 18 इंच। आकार इसलिए रखा जाता है ताकि इसी आकार के आधार पे वेट भी ज़्यादा नहीं होता, दूसरा एक व्यक्ति आसानी से इसका प्रयोग में ले सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको इस यंत्र का उपयोग में नहीं देने आता या इस यंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है वो इस यंत्र का उपयोग कभी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, आग को जब पीट पीट करके बुझाना होता है, पीट पीटने का मतलब हो गया मैंने किसी भी पेट्रोल पंप पे हूँ, कहाँ हूँ रे, अरे कहाँ खड़ा हूँ, पेट्रोल पंप के नज़दीक कोई भी अखबारों का एक बंडल था, उस अखबार के बंडल में क्या लग गई, आग लग गई। अगर मुझे इस यंत्र के बारे में नॉलेज है तो उस आग पे, मेरे पास में कोई दूसरी मीडिया नहीं है, तो किसी भी छड़ी, या तो आप इस यंत्र का प्रयोग करो या किसी भी हरिटैनी को तोड़ करके उसको एक प्रकार से क्या बना लेंगे, बिटर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, हरिटैनी को तोड़ ली, अर्थात उसको पीट पीट करके बुझा सकते हैं, समझ में आ गई ना। अब इसको यूज करेंगे, एक प्रकार का बिटिंग का कार्य करेगा यानी आग को पीटेगा, पीट करके आग को बुझाएगा, इसका यूज करेंगे तो अगर अपन इस प्रकार से यूज करेंगे, अपने कंधे से ऊपर ले जाकर के दूर जोर जोर से मारेंगे, तब ये जो आग लगी है अखबारी के पन्नों में ये क्या होगी, उछलेगी, ये क्या होगी, और उछल करके दहन विधि द्वारा दूसरे ज्वलनशील पदार्थ में क्या होगी, इसी में से आग निकल करके दूसरे ज्वलनशील पदार्थ में गिरेगी और आग ज्यादा लगने का क्या होगा, खतरा। इस आग को ऐसी विधि से बुझाया जाए कि निकलने वाला इसमें से ईंधन कहां ना जाए, बाहर ना जाए, जिससे बाहरी कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो संपर्क में और आग लगे। इससे बचने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करने से पहले ध्यान में रखना, कभी भी इसको अपने हाइट यानी कंधे से ऊपर नहीं लेके जाना, यानी ऐसी हाइट रखनी है जिससे ये क्या हो, आग ज़्यादा उछले न और एक प्रकार से बोंदलाइज करके आग क्या हो, बुझे, उसे क्या बोलेंगे, फायर बीटर, क्या बोलेंगे, आग को पीट पीट कर बुझाना, ऐसी उपकरण को बोलते हैं फायर बीटर। और इसको बोलते हैं, जैसे ये है रेड कलर क्यों किया जाता है, क्योंकि फायर सर्विस में रेड कलर तो एक ऑफिशियल कलर है जिसको पहचानने में आ जाता है कि ये फायर के इक्विपमेंट है,
ठीक है। अब इस प्रकार के इक्विपमेंट को बोलते हैं फायर बीटर। जो आपको यहाँ पे एक होल दिख रहा है उसमें क्या होता है, एक डंडा लगा दिया जाता है जिसकी हाइट कम से कम 4 से 5 फीट होती है। इसलिए होती है कि अगर 10 फीट कर दी तो एक व्यक्ति आसानी से प्रयोग में नहीं ले सकता, क्योंकि ज़्यादा क्या करेगा वो भी टूटने का भी खतरा रहता है। 2-3 बार मारेंगे तो टूट जाएगा, अगर लास्ट में पकड़ रखा है। ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा इसकी लंबाई है। अब इसकी लंबाई इतनी रखी जाए ताकि एक व्यक्ति आसानी से ज़्यादा वेट भी न और प्रयोग में ले सके। अब इस बीटर में क्या होता है, इसकी अपनी विड्थ की बात करें, ये क्या होती है 9 इंच और ये क्या होती है 18 इंच, 9 बाई 18 इसका साइज होता है। और एक व्यक्ति पीटने का प्रयोग, यानी इसको आग पर पीट पीट करके प्रयोग में ले सकते हैं। और इसमें एक डंडा लगा होता है, इसी को बोलते हैं फायर बीटर। समझ में आ गया ना, फायर बीटर। जब स्टार्टिंग में जब कोर्स करते हो ना, तब फायर बीटर नाम सुनते हो ना, तब बिल्कुल ये लगता है बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। स्टार्टिंग में जब फायर बीटर का नाम सुनते हो ना, जैसे आप कोर्स कर रहे हो और आप नाम ले लोगे X2 के से रात कोर्स करोगे, तो थोड़े थोड़े पहले दिन दिमाग में आ जाएगा। पानी की बाल्टी है या फायर बकेट है, वो तो आपसे पहले देखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, अब फायर बीटर है ना, ये एक प्रकार से नाम अलग हो गया। बीटर का नाम सुनते ये लगता है पता नहीं कितना बड़ा इक्विपमेंट होगा, पर फायर यानी आग, बीटर का मतलब पीट कर बुझाने वाला यंत्र। हेडिंग डालो फायर बीटर, उसमें लिखो हेडिंग डालो फायर बीटर और उसमें लिखो ऐसा उपकरण, ऐसा उपकरण जिसे फायर सर्विस में छोटी मोटी आग के लिए, ऐसा उपकरण जिसे फायर सर्विस में छोटी मोटी आग के लिए उस आग को पीट पीट कर, उस आग को पीट पीट कर बुझाने के लिए प्रयोग में ले, उसी उपकरण को क्या बोलते हैं फायर बीटर। पीट पीट कर बुझाने के लिए प्रयोग में ले ले उसी उपकरण को फायर सर्विस में फायर बीटर कहते हैं, जिसका लाल कलर होता है तथा साइज 9 बाई 18 होता है। उसी उपकरण को फायर बीटर बोलते हैं या फायर बीटर कहते हैं, जिसका रंग लाल होता है तथा इसका आकार 9 बाई 18 का होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, उसका नाम दे दीजिए फायर बीटर। और दूसरी बात, दो बात एक और लिखो, ठीक है, 9 बाई 18 होता है तथा इस बीटर के, तथा इस बीटर में, चार से पाँच फुट का लकड़ी, 4 से 5 फुट का लकड़ी या किसी हल्की धातु का, डंडा या पोल लगाया जाता है, हल्की धातु का डंडा या पोल लगाया जाता है जिससे एक व्यक्ति दूर से खड़ा होकर के, जिससे एक व्यक्ति दूर से खड़ा होकर के किसी भी आग को आसानी से पीट पीट कर बुझा सकता है, किसी भी आग को आसानी से पीट पीट कर बुझा सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए और ये होता है फायर बीटर। क्या होता है फायर बीटर? थोड़ा सा इसका प्रयोग और लिख लेंगे, दो बातें याद रखने वाली भी है। इसका डायग्राम 1 मिनट में बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस बना लिया, अब लिखो उपयोग या प्रयोग, या बना लीजिए। तो फायर बिट, हाँ इसमें उपयोग का लिखो, इसका उपयोग इस प्रकार से करेंगे, उपयोग लिखो इसका,
इसका उपयोग यानी इस यंत्र का उपयोग इस प्रकार से करेंगे कि इस यंत्र या इसका उपयोग इस प्रकार से करेंगे कि कंधे से ऊपर ले जाकर के आग को नहीं पीटेंगे, कंधे से ऊपर ले जाकर के आग को नहीं पीटेंगे, क्योंकि क्योंकि इस कारण दहन विधि से आग का फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि इस कारण से दहन विधि से आग के फैलने का खतरा रहता है, अर्थात इसका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना होगा कि इसका मतलब फायर बीटर, अर्थात इसका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जिस आग को पीट करके आप बुझा रहे हैं उस आग से क्या लिखा दिया, दोबारा बोलो ये लाइन स्टार्ट यहां से, अर्थात के बाद में क्या लिखा है ममता, अर्थात के बाद में क्या लिखा है, इसका प्रयोग करते समय जिस आग को आप पीट करके बुझा रहे हैं, आगे हाँ, इसका प्रयोग करते समय जिस आग को आप पीट करके बुझा रहे हैं उस आग पर इस यंत्र को उस आग पर इस यंत्र को कंधे से ऊपर यानी कंधे तक की हाइट का प्रयोग करके प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फायर बीटर। उसके बाद में हेडिंग डालो एज बेस्टस ब्लैंकेट। हेडिंग डालो एज बेस्टस ब्लैंकेट। एज बेस्टस कोई बाहरी नाम नहीं है, ये खनिजीय तत्व है। क्या है? और ऐसा तत्व है जिसमें आग पर टिके रहने की जो क्षमता है ना, वो क्या है? ज्यादा। आग पर टिके रहने की क्षमता क्या है? ज्यादा। यानी एक ऐसा तत्व है जिसको आग को बुझाने के लिए प्रयोग करेंगे, पर आग को बुझाने के लिए केवल और केवल उसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या है? ज्यादा। यानी जो आग जलेगी तो उसमें से क्या निकलेगी? भी ताप तो निकलेगा, और उस ताप में अगर ऊपर कोई चादर डाल दी, एजबेस्टस ब्लैंकेट का मतलब क्या होती है? चादर। साधारण घरों में चादर होती है 2x2, 4x4, 5x5, कोई टुकड़ा चादर का। अगर उस टुकड़े को सीधे अपन डालेंगे किसी भी आग पर, किस पर डालेंगे? मैंने एक आइडिया बताया था कि प्राथमिक आग को बुझाने के लिए यूज क्या करते हैं कि कोई भी अपने पास में घरे टाट या बोरी बोलते हैं ना, उसको गीला करके अपन डालने की कोशिश करते हैं ताकि आग क्या हो जाए, बुझ जाए। बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोई ना कोई किसी भी सिलेंडर में अगर आग लगी है, घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें आग लगने के बाद में क्या करते हैं, पानी में भिगो करके उस पर क्या डालते हैं, वो चादर डाल देते हैं ताकि उसमें क्या ना मिले बाहर से
ऑक्सीजन। और पढ़ा अपन ने क्या है कि आग लगने के लिए ईंधन है, ताप है और ऑक्सीजन है, यही है ना। अगर इनमें से किसको हटा देंगे ऑक्सीजन, वो तो ट्रायंगल ऑफ फायर पूरा नहीं होगा, तो इसका मतलब आगे बुझ जाए। अब दो तीन क्वेश्चन ये बन गए कि एजबेस्टिस ब्लैंकेट किस विधि से आग बुझाती है, समुद्र यानी दम घोटने की विधि से, कि कौन सी विधि से, दम घोटने की विधि से एजबेस्टिस ब्लैंकेट का प्रयोग करके आग बुझाया जाता है। अब एजबेस्टिस एक कोई खनिज तत्व है जो किस में मिलाया जाता है, ब्लैंकेट यानी चादर। एजबेस्टिस का प्रयोग करके एक चादर बनाई जाती है और उस चादर का प्रयोग करेंगे प्राथमिक आग को बुझाने के लिए। उस आग पर इस प्रकार से डालेंगे कि जो जलती आग है ना उसके तप से यह चादर क्या होगी, जलेगी नहीं, ये क्या होगी, और उतने समय तक नहीं जलेगी जितने समय तक उसको क्या नहीं मिले भाई, ऑक्सीजन मिलेगी तो आग बढ़ेगी। अब काम क्या कर रहे हैं अपने, ऑक्सीजन है कट करने का, और जैसे ही इस चादर का प्रयोग करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगी, कट, और तब तक कट करके रखेगा जब तक मतलब जलेगा नहीं, तब तक पूरी कट नहीं हो तब तक ये चादर जलेगी नहीं, और चादर नहीं जलेगी इसका मतलब ऑक्सीजन कट होगी, ऑक्सीजन कट होगी इसका मतलब ये आगे बुझगी। अर्थात छोटी आग को अपन इस ब्लैंकेट के द्वारा भी बुझा सकते हैं, इसको बोलते हैं एजबेस्ट इस ब्लैंकेट। एजबेस्ट घुमाने वाली बात नहीं, एजबेस्ट एक खनिज तत्व है जिसमें वो क्षमता होती है जो उस ताप को ग्रहण करने की क्या सर्वाधिक क्षमता होती है, यानी खुद जलता नहीं, खुद जलता नहीं, और ब्लैंकेट यानी चादर, एक चादर नुमा एक ब्लैंकेट को यानी एजबेस्टिस जो खनिज तत्व है उसको चादर नुमा आकार में रखा जाता है और जिसका प्रयोग प्राथमिक आग बुझाने के लिए आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक अपने घरों में तिरपाल बोलते हैं ना, उस प्रकार का बोल सकते हैं, ये है ब्लैंकेट, इसको क्या बोलते हैं एजबेस्टिस ब्लैंकेट, यानी इसकी साइज की डिपेंड करें, साइज निर्भर करता है कि अपन किस आधार पर प्रयोग कर रहे हैं। जैसे इसका साइज है कितना मान सकते हैं भाई, 6 फुट इसकी क्या मान सकते हैं भाई, विड्थ इसकी 6 फुट है तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 3 है भाई, 2.5x6 कर लो या 2x6 कर लो या 2x, यानी ऐसा टुकड़ा 2x4 का ऐसा टुकड़ा जो प्राथमिक आग पर आसानी से एक व्यक्ति उस पर डाल सके, उस पर डाल सके जिससे वह आग को ऑक्सीजन नहीं मिले आगे बुझ जाए। इसी चादर को क्या बोलते हैं, एजबेस्टिस ब्लैंकेट, क्या बोलते हैं, एजबेस्टिस ब्लैंकेट। अब ये चादर होती है, इस चादर पर अगर कोई व्यक्ति सो भी जाए ना तो 2 दिन बिना चिरमराहट को मिटे तुरंत पावर हुए, क्योंकि ये क्या नहीं, क्रोश को नहीं, हवा क्रोश से होने ही नहीं देती, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैंकेट एजबेस्टिस। खुद में इतनी पावर होती है कि ये क्या नहीं करती, जली हुई वस्तु से खुद नहीं जलती, उतने समय तक नहीं जलती जितने समय तक वो आगे बुझ ना जाए, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं प्राथमिक आग बुझाने के लिए आसानी। बहुत बड़ी आग के लिए बहुत बड़ा ब्लैंकेट चाहिए, बहुत सारे आदमी चाहिए, इतनी इससे अच्छा है जैसे फायरमैन है, किसी भी आग को बुझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 मेंबर जाते हैं। अगर किसी अपने घरों में आग लग गई भी, 2-3 घरों में आग लगी है, 4 घरों में आग लगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी जा सकते हैं, 30 जा सकते हैं, तो यही है। तो ये तो यानी कि बहुत बड़ी ब्लैंकेट उस आग को ढक दें तो उतना तो पॉसिबल नहीं, तो यानी प्राथमिक आग बुझाने के लिए ब्लैंकेट का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं एजबेस्टिस ब्लैंकेट। लिखो, इसको बोलते हैं एजबेस्टिस ब्लैंकेट, लिखो। यह एक प्रकार की चादर होती है, यह एक प्रकार की चादर होती है जो प्राथमिक आग को बुझाने के लिए प्रयोग में ली जाती है, जो प्राथमिक आग को बुझाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। एजबेस्टिस एक विशेष प्रकार का खनिजीय तत्व है, एजबेस्टिस या एजबेस्टिस एक विशेष प्रकार का खनिजीय तत्व है जो अपनी ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी ताप अवरोधक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इस एजबेस्टिस ब्लैंकेट में आसानी से आग नहीं लगती, अर्थात इस एजबेस्टिस ब्लैंकेट में आसानी से आग नहीं लगती, इसका साइज
इसका साइज 4x4, 6x6 या 3x6 का होता है? जो आग को समुद्रिंग ब्रैकेट में लिखो दम घोटना, जो आग को समुद्रिंग विधि से बुझाता है, जो आग को समुद्रिंग विधि से बुझाती है या बुझाता है, अर्थात इस चादर के द्वारा आग को ढक करके बुझाया जाता है, इस चादर द्वारा आग को ढक करके बुझाया जाता है, अर्थात इस चादर के द्वारा या चादर द्वारा इस चादर का या आग को ढक कर बुझाया जाता है। तो ये अपनी क्या होगी एजबिस्टे से, ब्लैंकेट का मतलब चादर, एजबिस्टर का मतलब खनिज, जिसमें अवरोधक क्षमता क्या होती है, ज़्यादा ताप ग्रहण करने की। तो कितने टॉपिक हो गए, तीन हो गए, बाकी करेंगे नेक्स्ट।